हम बनाने जा रहे हैं पनीर, और मैं आपको आओ पूरी रेसिपी बताता हूँ पनीर बनाने की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और ये पनीर अब छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। हमने गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला रख लिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट रख लिया है, और साथ में हमने मसाला पीस लिया है प्याज का, लहसुन का और अदरक का। और अब छोटी छोटी मिर्चियों को काट करके इसके अंदर में डालेंगे। तो चलो आओ अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया ये तेल, अब हमने डाला जीरा, फिर खड़ा गरम मसाला, फिर पीसा गरम मसाला, और ये डाल दिया धनिया पाउडर। इसके बाद पेस्ट डाला प्याज और लहसुन का और मिक्स किया, फिर नमक डाल दिया। अब ये देखो हमने थोड़ी सी मिर्ची मिक्स करना शुरू कर दी, और अब ये हमने उठा करके हल्दी डाल दी। अब ये खाने को टेस्टी बनाती है। इसको मिक्स किया, फिर इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना शुरू कर दिया है। इसको मिक्स किया, जिंजर गार्लिक के पेस्ट से सुगंध अच्छी आती है। तो ये सभी मिक्स करने के बाद में हमने अब ये उठा करके थोड़ा सा दूध डालना शुरू किया। ये दूध डाल के मिक्स करना शुरू करा। जब ये थोड़ा सा पक गया तो इसके अंदर पनीर डाल दिया। अब इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, अच्छे से सेकेंगे, और ये देखो हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई। अब हमने इसको जब खाया तो ये काफ़ी टेस्टी लग रही थी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट रेसिपी क्या